अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? टिकटॉक के व्यूअर्स, एक और अमेजिंग नहीं बल्कि आज यमी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद में और यहाँ पे जबरदस्त किस्म का यमी बाइट्स के ऊपर, और यमी बाइट्स पे कुछ नए अरावल्स आई हुई हैं चीज़ें, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे, उनका रिव्यू देंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि वो कैसी हैं, ताकि आप लोग अपनी फैमिली के साथ और अपने साथ यहाँ पर आ सकें और इस फूड को एंजॉय कर सकें। तो चले चलते हैं साथ, आपको मेकिंग भी दिखाते हैं और इसका रिव्यू भी देते हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं? अभी हम लावा पिज्जा बना रहे हैं। लावा पिज्जा बना रहे हैं भाई, तो वही सबसे पहले हमने तेल को ऑयल में डाल दिया। बिल्कुल, हमने पैन पे ऑयल लगा दिया है और उसके बाद ये दो ब्रेड आएंगे। दो ब्रेड जो है दोनों को मिला के बनेगा लावा पिज्जा? दोनों का एक होगा, अभी फिलहाल के अलग अलग बेक होगा। ओके हो गया भाई। ये सॉसेस डाल रहे हैं इसके ऊपर? सॉस है सर हमारा, अब जितना स्पाइसी बोलो उस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, जितना स्पाइसी बोलेंगे उस हिसाब से स्पाइसी बना दिया जाएगा। बहुत जबरदस्त भाई, ये आप लोगों का अपना सॉस है? जी सर, ये हमारा स्पेशल सॉस है। स्पेशल सॉस है भाई ये यमी बाइट्स का। ये क्या चीज है? चीज सॉस है सर। चीज सॉस है भाई ये लोगों को जितना चीज की क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से मिल जाएगा। फुल चीजी चीजी सा मुझे लग रहा है, इस टाइम ये तैयार होने वाला है। और इसमें अब चिकन डाली जा रही है भाई। ओए होए होए होए, फुल लोडेड जो है वो चिकन जो है इसमें डाली जा रही है। ये ब्लैक ऑलिव सर। ब्लैक ऑलिव आ गया भाई, व्हाइट ऑलिव आ गया, व्हाइट ऑलिव आ गया भाई। शेडेड चीज में एडेड चीज। ओह फुल लोडेड होने वाला है भाई, फुल चीजी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसको तो बनते हुए देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसके बाद इसको बेक हो जाएगा, इसको बेक किया जाएगा। चलें जी, इसको बेक करने के लिए अंदर ओवन के। ये तो बताएं, हमने बेक करने के लिए रख दिया, तो कितना टाइम लगेगा इसको अंदर बेक होने? 5 मिनट के अंदर आपको, 5 मिनट के अंदर बेक हो जाएगा। नेक्स्ट साइड हमारा लावा वेफल्स। लावा वेफल्स भाई, ये नया सा नाम लग रहा है और पहली बार ही खाएंगे। मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ भाई, बहुत यूनिक आइटम है। दिखाएं ना फिर क्या होने वाला है। ये आपका लावा का मशीन में हम लावा के बटर डाल देंगे। ओहो, ये इस तरह से बनता है? लावा वेफल्स, क्या बात है भाई। अब क्या बना रहे हैं, क्या नई चीज ला रहे हैं भाई? अब हॉट पॉट बना रहा हूँ सर। क्या बना रहे? हॉट पॉट। हॉट पॉट, इसमें 8-10 किस्म के सॉसेस डालेंगे। अच्छा जी, 8-10 किस्म के सॉसेस डल रहे हैं जी। और ओके, ये हमारा एक स्पेशल सॉस है। और ये स्पेशल सॉसेस है जी, क्या बात है। ये तो मुझे कुछ कोरमा सा लग रहा है पूरा। इसकी टेस्ट आपको यही उठाएंगे। ओहो, स्पाइसी होगा, आप जितना चाहे ना। और लोग जो लोग कम स्पाइसी खाते हैं उसका क्या? उनके लिए सॉस कम ले लेंगे। सॉस कम होता है उनके लिए। ये सारी आपकी स्पेशल सॉसेज हैं जी सर। ये क्या चीज डाल रहे हैं सर? इसमें सॉसेज आएंगे, दो मोमोस आएंगे, सॉसेज आएंगे, मोमोस आएंगे, नूडल्स आएंगे। ये कोरियन डिश होंगे सर। कोरियन डिश है भाई। क्या चिकन ऐड किया? चिकन ऐड हो जाएंगे। इसमें मोमोस आ गए। इसमें कुछ जलेगा जी? ओके। और ये कितनी देर कुक होगा ये सारा? बस ये अभी रेडी हो रहा है। नूडल्स डल रहे हैं। वाह भाई, अब इसमें यमी से नूडल डलने वाले हैं। ये आ गई नूडल्स की लेयर। हॉट पॉट जो है वो रेडी हो गया। दो तीन ऑर्डर मैंने एक साथ बनाया, ऑर्डर लगा हुआ था पीछे भी। ओके ओके ओके, तो ये आपका भी मैंने ऑर्डर इसी में बना दिया। दो मोमोज होंगे? दो मोमोज होंगे जी। और ये दो सॉसेज होंगे? दो सॉसेज और नूडल्स होंगे कुछ, और मशरूम और कोन होंगे। मशरूम और कोन आ गई भाई, बहुत जबरदस्त। अब हमारा जो है वो लावा मोमोज तैयार होने जा रहा है। मेरा भी ये सॉसेज डाल दिए, अब इसमें डालेंगे मोमोज। मोमोज यहाँ से इसमें ऐड किए जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा लावा मोमोज। इसका लावा मोमोज नाम क्यों रखा गया मेरा भाई? ये पूरा चीजेस होगा, ये पूरा चीज होंगे वो लावा की शक्ल में आपको नजर आएंगे। अच्छा, तो भाई चीज जो है आपको लावा की शक्ल में नजर आने वाला है, इस वजह से इसका नाम है लावा मोमोस। क्या बात, जबरदस्त भाई, फुल चीजी, फुल चीजी है भाई इस टाइम। और मेराज भाई हमें बहुत जबरदस्त शेफ भी लग रहे हैं भाई। सर 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। क्या बात है, 9 साल हो गए भाई मेराज भाई को। और ये इस टाइम जो ये मोमोज बना रहे हैं लावा मोमोज, ओहो बेहतरीन वाला यार। और ये रेडी हो गया है, और ये रेडी हो गया है। ये आ गया आपका लावा मोमो, पूरा फुल चीज में सर, फुल चीज ही है, बेहतरीन वाला। ये लावा पिज्जा रेडी हो गया है। ओए होए होए होए, फुल चीजी भाई, फुल चीजी। चेक करें यार, फुल यमी और चीजी हो रहा है ये। और इसका जो दूसरा पैन था, दूसरा जो ये आ गया भाई। ये क्या चीज है मेराज भाई?
सर ये इसका जो सॉस होगा ऊपर के सॉसेज हैं जो ऊपर आएंगे ओके जी। तो ये भाई इस तरह से डॉग को इसके ऊपर रख के सॉसेज को फैला दिया गया। ओए होए 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 फुल मतलब यमी फुल टाइम यमी क्या बात है यार फुल आप देखें। तो अब इसको एक मिनट के लिए दोबारा मजीद रखा जाएगा बेकिंग के लिए और ये और मजीद चीज़ी हो जाएगा भाई साहब। ओए होए 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 ये वेफल्स वेफल लावा वेफल्स लावा वेफल ये लावा वेफल्स तैयार हो रहा है। वेफर बिस्किट आपने देखे थे ना ये लावा वेफर है। सुनना यार प्राइस देना यार क्या भाई ये कौन सा सॉस डल रहा है राजू? ये हमारा स्पेशल सॉस है स्पेशल सॉस है जी सर ये स्पेशल सॉस डल रहे हैं इस पे और इस पे चिकन आइटम रखा है लावा वेफल और इस पे सॉसेस की बारिश कर दी गई। तो ये मजीद चीज डाली जाएगी जी भाई इसमें मजीद चीज डाली जा रही है इसमें ये आ गई इसके ऊपर चीज इसकी आप टोपी हो जाएंगे ये हमारा बंद होगा और ये भी आवान में बेक होंगे ठीक बहुत जबरदस्त हो गया ये फुल यमी सा लग रहा है इस टाइम मुझे ये लावा वेफल ये एक यूनिक डिश है जो कि हमने भी फर्स्ट टाइम देखी और फर्स्ट टाइम नाम सुना है इसका। ओए होए 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 फुल मतलब यम हो गया है ना एकदम फुल यमी नहीं कहते जिसको फुल टाइम यमी यमी ही। मजीद एक मिनट के लिए बेक किया जाएगा और ये जा रहा है ओवन में और एक मिनट के लिए बेक किया जाएगा इसको। ये लावा पिज्जा इस टाइम रेडी हो गया है और आप इस टाइम देख रहे हैं यार क्या फुल चीजी हो रहा है फुल यमी यमी मेरे तो मुंह में भाई भरपूर पानी आना शुरू हो गया है। ओए होए 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 चेक करें यार बहुत जबरदस्त भाई फुल चीजी फुल यमी और इसका जायका भी आपको बताते हैं भाई कैसा है। तो जी जनाब हमारी डील यहाँ पे मौजूद है बल्कि डील नहीं डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे इनकी न्यू अराइवल्स हैं और इसमें डिफरेंट चीजें मौजूद हैं वन बाय वन आपको चेक करवाते हैं टेस्ट करते हैं कि कैसा है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं भाई लावा मोमोज मोमोज बड़े खाए हैं आप लोगों ने यहाँ पर लावा मोमोज मिल रहे हैं तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आके और ये देख सकते हैं आप लोग भाई चेक करें भाई देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है तो खाने में क्या बात होगी मज़ेदार है सीरियसली मतलब मैं मोमोज इतने शौक से नहीं खाता लेकिन ये इतने अच्छे बने हुए हैं कि यकीनन यहाँ पे आके आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए और भूख मुझे ज़्यादा है बाकी चीज़ें भी मैं ट्राई करता हूँ और इसके बाद मैं चलूँगा भाई लावा पिज़्ज़ा के ऊपर और फुल चीज़ी फुल ज़बरदस्त किस्म का ये तो उठाने में भी जो है फुल चीज़ चीज़ हो रहा है भाई ये देखें यार चीज़ की लेयर देखें और इसके अंदर जो लवाजमात भरे हुए हाय 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 हाँ स्वाद आ गया बादशाह मज़ा आ गया मतलब अगर आप अपने फैमिली के साथ या अपने साथ आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों के साथ तो भाई ज़रूर आएँ फुल एंजॉय करेंगे हाँ और इस तरह एंजॉय कर करके खाएंगे आप लोग मज़ा आने वाला है। और भाई अब आ गया है हॉट पॉट विद मोमोज विद नूडल्स और ये किस तरह का टेस्ट देता है ये मुझे नहीं पता भाई ये मैं ट्राई करने वाला हूँ और मज़ा आ गया इतना यमी है और इतना ज़बरदस्त बना हुआ है किसी को इंतहा नहीं थोड़ा सा लाइटली स्पाइसी है तो अगर आप लोग स्पाइस खाना चाहते हैं तो भाई ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन के पीसेस भी इसके अंदर मौजूद हैं मोमोज भी मौजूद हैं नूडल्स भी मौजूद हैं और इसके साथ जो है हमारे पास यहाँ पे लावा वेफल भी मौजूद है तो वो भी मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि वो कैसा बना। तो भाई अब आ गया है लावा वेफल तो ये देख लें आप लोग इसके अंदर चीज़ कितनी भरी हुई है और फुल लावा लावा हो रहा है भाई ये देखें आप ये देखें चेक करें ओए होए इसका खाने का तो मज़ा ही कुछ और होगा भाई और इसके लिए मुंह भी आपको बड़ा करना पड़ेगा अपना बहुत डिफरेंट टेस्ट है बहुत मज़े का है बहुत यमी है और लाजवाब है एक बाइट मैं और लूँगा यार मुझे बहुत अच्छा लगा यार मस्ट ट्राई यहाँ आए तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा फुल रिकमेंडेशन है मेरी लावा पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये भी अच्छा बना हुआ है लावा मोमोज ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा भाई लावा मोमोज बहुत अच्छे हैं मोमोज हर जगह मिल रहे हैं लेकिन इन्होंने कुछ डिफरेंट किया है ये थोड़ा सा स्पाइसी है तो अगर आप लोग स्पाइस खाना चाहते हैं तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हुसैनाबाद की इनकी लोकेशन है भाई हुसैनाबाद में ये मौजूद हैं जस्ट कोयला कढ़ाई के अपोजिट बम्बई कोयला कढ़ाई के अपोजिट इनका जो यमी बाइट्स के नाम से इनका रेस्टोरेंट है
यहाँ पे आप लोग ज़रूर विज़िट करें। मुझे शदीद किस्म की भूख लगी हुई है और ये सब चीज़ें देख के ना मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे। मैं अपना फूड एंजॉय करता हूँ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।